प्राइस में एक बार आप लोगों को डिफरेंस दिखा देता हूँ अभी कितना है, क्योंकि अभी हमने आगे से लिफ्ट नहीं कराई है। देखो एक हाथ ये पूरा एंड ये तीन उंगलियां, ये पूरा इसमें डिफरेंस है। एंड लिफ्ट होने के बाद क्या फर्क आया, इसका लिफ्ट का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको डिफरेंस चेक करा देता हूँ, पास हो जाएगा थोड़ा। ये आ गया एक हाथ और ये आ गया दूसरा हाथ, पूरे दो हाथ का डिफरेंस आ चुका है इसके अंदर। एंड तो हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल, आई होप तुसी सारे क्या हैट होगे। तो आज के ब्लॉग का टाइटल एंड थंबनेल देख के आप लोगों को पता लग ही गया होगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारी एक्सयूवी को लिफ्ट कराने। वैसे मेन रीजन मैं आपको बताता हूँ हम लोग इसको लिफ्ट क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसमें टायर्स एंड अलॉयज अपग्रेड कर रहे हैं। जो साइज हम लोग इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं वो टायर्स अलॉयज इसमें ऐसे लगेंगे नहीं, मतलब जो अभी स्टॉक इसके ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें लगेगा नहीं वो साइज। तो इसी रीजन से हम लोग इसको लिफ्ट करा रहे हैं। कल हम लोग गए थे इसको, हम लोगों ने पीछे से लिफ्ट करा दिया है, एंड आज हम लोग जा रहे हैं इसको आगे से लिफ्ट कराने। बट आप टेंशन मत लेना, मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि पीछे से भी किस तरीके से लिफ्ट हुई है। मैंने पीछे वाले लिफ्ट का व्लॉग इसलिए चक्कर में नहीं बनाया था क्योंकि आगे के जो सस्पेंशन है और पीछे के एक्सयूवी में सेम आते हैं, तो सेम प्रोसेस से लिफ्ट होगी, ठीक है। बट मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बता दूंगा, एंड मैं आप लोगों को एक क्लिप भी अभी अटैच कर देता हूँ, एक बार पहले आप लोग देख लो कि पीछे वाले जो अपन ने लिफ्ट कराया उसमें कितना डिफरेंस आया था। अब उस वाली साइड देखो, ये वाली साइड जो लिफ्ट हो चुकी है इसकी, अब ये जो स्टॉक साइड है ये देखो, ये वाला काम अगर आप लोग बिना नॉलेज के करवाने जाओगे ना तो मैकेनिक आपसे मन मर्जी के रेट चार्ज करेगा इस छोटे से काम के। तो वीडियो को पूरा देखना, अगर वीडियो को पूरा नहीं देखोगे ना तो प्रोसेस नहीं समझ आएगा आप लोगों की लिफ्ट किस तरीके से होती है। और अगर प्रोसेस नहीं समझ आएगा तो मिस्त्री बस फिर वही आओगे, मनमर्जी के रेट लेगा आपसे। तो वीडियो को पूरा देखना, अभी जाके हम लोग दोबारा से वीडियो बनाते हैं। एंड एक बार मैं आप लोगों को हाइट भी चेक करा देता हूँ कहीं पे खाली जगह में रोक के गाड़ी को, कि गाड़ी की हाइट में कितना डिफरेंस आया है। तो चलो आपके साथ अभी दोबारा मिलते हैं। तो गाइस इससे जो अगला वाला व्लॉग होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, उसमें हम लोग हमारे टायर्स एंड अलॉयज अपग्रेड करेंगे गाड़ी के अंदर। एंड जो हम लोग इसमें साइज इंस्टॉल कर रहे हैं वो मस्त है साइज, मतलब समझ जाओ। जो हम लोग ने थार में तो आपने देखा ही था टायर साइज क्या इंस्टॉल किया था, तो कुछ बड़ा ही करेंगे इसमें भी इंस्टॉल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसको लिफ्ट कराने आगे से, फ्रंट सस्पेंशन इसके लिफ्ट कराएंगे, रियर के तो कल करा दिए थे। और मैं गाड़ी रोक के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितना फर्क आया था रियर से इसको लिफ्ट कराने का, एंड क्या क्या फायदे हैं क्या क्या नुकसान है वो सब भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो गाइस मैं एक बार आप लोगों को डिफरेंस दिखा देता हूँ अभी कितना है, क्योंकि अभी हमने आगे से लिफ्ट नहीं कराई है। देखो आगे थोड़ा सा क्या, ये देखो एक हाथ ये पूरा, एक हाथ ये पूरा एंड ये तीन उंगलियां, ये पूरा इसमें डिफरेंस है। एंड लिफ्ट होने के बाद क्या फर्क आएगा वो आप लोगों को दिखाई देंगे। एंड पीछे से आप लोगों ने लिफ्ट करा ली हुई है, पीछे से चेक कर लो कितना डिफरेंस है, ये पूरा हाथ और ये एक और पूरा हाथ, मतलब कि अप्रोक्स पूरा हाथ आने के बाद भी देखो ऊपर जगह है इसमें, मतलब अप्रोक्स दो इंच, दो से ढाई इंच का फर्क आएगा, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग आगे से भी लिफ्ट करा रहे हैं, तो अभी मैं आप लोगों को इसके फायदे एंड नुकसान सभी चीजें बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, एंड वीडियो को पूरा देखना तो ही समझ आएगा आप लोगों को प्रोसेस। अभी इसका काम शुरू हो चुका है, अभी आप लोग को तो डिफरेंस पता लग रहा होगा पीछे के टायर में और बॉडी में, तो कितना डिफरेंस है क्योंकि पीछे से लिफ्ट हो चुकी है, एंड आगे देखो कितना कम डिफरेंस है। तो भाई फ्रंट का सस्पेंशन खोलने के लिए सबसे पहले गाड़ी के टायर खुलेंगे आगे वाले, देन फिर गाड़ी को जैक से ऊपर उठाया जाएगा, देन फिर सस्पेंशन खुलेगा। तो और मेन चीज मैं आपको बताया था, फ्रंट का अगर सस्पेंशन खोलना है तो कई लोग नीचे से ट्राई करते रहते हैं, उनसे खुलता नहीं। पहले ऊपर वाला ध्यान रखना है, ये वाला नट खुलेगा फ्रंट के सस्पेंशन के लिए दोनों साइड्स का, इस साइड के शॉकर के लिए इस साइड का खुलेगा, इस साइड के लिए इस साइड का खुलेगा। तो भाई ये टायर जो है गाड़ी का आगे वाला निकल चुका है। अब ये देखिए ये है इसका सस्पेंशन अंदर, ये वाला ऊपर जो स्प्रिंग दिख रहा है ना इसके ऊपर डलती हैं कॉइल्स, वो सारा मैं आपको प्रोसेस। अगर आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आपकी गाड़ी ABS वाली है, ABS सेंसर है अगर आपकी गाड़ी में, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि ये वाली वायर जो है ये बिल्कुल भी डैमेज ना हो, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट ABS से कनेक्ट है। देखो तो अभी इसका सस्पेंशन जो है वो नीचे से, तो उसकी फिटमेंट सारी ओपन हो चुकी है, अब ऊपर से ओपन हो रहा है। तो आप लोगों को देखिए, सबसे पहले तो आपके किसी भी लोकल वर्कशॉप पे जाना है, किसी मैकेनिक के पास जाना है, उससे आपको सस्पेंशन खुलवा लेना सबसे पहले तो, देन फिर अभी अगर सस्पेंशन ओपन हो जाए देन फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बता दूँ किस तरीके से आपकी गाड़ी में जो है वो कॉइल्स डलेंगी उसको लिफ्ट करने के लिए। तो ये देखो अभी इसका सस्पेंशन जो है खुल के आ चुका है यहाँ पे, अभी इस मशीन पे सस्पेंशन लगेगा, इस मशीन से सस्पेंशन को जो है प्रेस किया जाता है,
देन फिर सस्पेंशन प्रेस करने के बाद ऊपर से जो स्क्रूज हैं वो स्क्रू ओपन होंगे, देन फिर उसके अंदर बुश लगते हैं। तो एक बार अभी सस्पेंशन ओपन हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। तो ये देखो इस तरीके से सस्पेंशन इस मशीन पे चढ़ाया जाता है, देन फिर इसको भी प्रेस करके सस्पेंशन को दबाया जा रहा है जिससे कि इसके ऊपर के जो स्क्रूज हैं वो ओपन हो जाए, क्योंकि स्क्रू जब तक ऊपर वाले ओपन नहीं होंगे तब तक इसमें जो कॉइल्स हैं वो इंस्टॉल नहीं होंगे। तो ये देखो अभी दबा के ऊपर से ओपन कर लिया सस्पेंशन को। तो देखो जब आपकी गाड़ी का सस्पेंशन ओपन हो जाएगा ना तो सस्पेंशन के ऊपर ऐसी हेड माउंट आएगा, एक ये हेड होता है सस्पेंशन, इसके अंदर सस्पेंशन लगा होता है। तो आपको मैकेनिक से सिंपली ओपन करवा लेना, ठीक है, और किसी भी कार स्पेयर पार्ट की शॉप पे जाना आप, वहाँ से आप इस सस्पेंशन कॉइल ले लेना 2 इंची की, और ये 2 इंची की सस्पेंशन कॉइल आपको इसके ऊपर डायरेक्ट माउंट हो जाएगी इससे। तो इसकी ओरिजिनल रबड़ आती है, ये रबड़ निकल जाएगी और ये कॉइल इस पर माउंट हो जाएगी, जिसके बाद इसकी हाइट जो है इतनी इंक्रीज हो जाएगी। देखो गाड़ी की सस्पेंशन जो है इसके ऊपर आ जाएगा फिर। तो अभी एक बार ये लगवाते हैं फिर इसका रिजल्ट आपके साथ में शेयर करते हैं। जो पुरानी कॉइल आती है जो गाड़ी के साथ में आती है रबड़ की, ये निकलवा लेना आप सस्पेंशन में से, और या तो आप इसके ऊपर फिट कराना चाहे इसके ऊपर भी करा लेना, और ये उसके ऊपर आ जाएगी। ये देखो अब जब ये लग जाएगी ना इसके ऊपर तो गाड़ी की हाइट करीब करीब 2.5 से 3 इंच लिफ्ट हो जाएगी गाड़ी। तो देखो अभी ये भैया जो है ये जो कॉइल जो गाड़ी के सस्पेंशन के साथ में आती है जो छोटी वाली जो रबड़ होती है वो खोल रहे हैं अभी इसकी। ये रबड़ छोटी वाली खोलने के बाद ये बड़ी वाली जो अपन मोटी सस्पेंशन कॉइल लेके आए ना, इसलिए ये कॉइल वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। तो गाइस ये देखो ये सस्पेंशन के ऊपर वो जो अपन कॉइल लेके आए थे वो लग गई है वहाँ पे। अभी सस्पेंशन फिट हो जाएगा इस वाली मशीन पे। तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, ये वाला जो काम कराएंगे आप इस सस्पेंशन वाली शॉप से करवाना, किसी रेगुलर मैकेनिक से मत कराना, क्योंकि बिना इस मशीन के ये लिफ्ट वाला काम जो है नहीं हो पाएगा। और अगर दूसरे आप जुगाड़ वाले तरीके से कराओगे तो उससे बढ़िया तो ये है कि आप कराना ही मत ये लिफ्ट वाला काम, क्योंकि सस्पेंशन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट है गाड़ी का। अगर इसमें कुछ भी दिक्कत आई तो अब आप लोग ही सोच लो कितना खर्चा बैठ सकता है। अभी देखो ये सस्पेंशन फिट हो जाएगा, ये बीच में जो रबड़ है ये वाली ये लग गई है, इससे हाइट लिफ्ट हो जाएगी गाड़ी की। शॉकर देखो अभी इस मशीन में लग गया है, अभी इसको शॉकर को दोबारा से टाइट कर देंगे नीचे करके, इसको कंप्रेस करके ऊपर से स्क्रू लग जाएगा इसके अंदर, देन फिर ये गुड टू गो है, ये डायरेक्ट इस गाड़ी में फिट हो जाएगी। ये तो सेंट्रो गाड़ी है, इसमें नहीं भाई पीछे अपनी गाड़ी खड़ी है, उसमें डायरेक्ट शॉकर फिट हो जाएगा। इसी सेम तरीके से दूसरी इस वाली साइड का भी शॉकर फिट कर दिया जाएगा। तो ये देखो अभी इसमें कॉइल लग गई है, कॉइल दिखा दो नीचे करे, कॉइल दिखा दो, ये वाली कॉइल लग गई है, अभी सस्पेंशन दोबारा से पैक हो रहा है, अभी ये सस्पेंशन पैक हो जाए देन फिर इसकी फिटिंग डायरेक्ट गाड़ी में हो जाएगी। भाई इसका लिफ्ट का काम जो है कम्प्लीट हो चुका है, अभी मैं आपको डिफरेंस चेक करा देता हूँ, पास हो जाएगा थोड़ा, ये आ गया एक हाथ और ये आ गया दूसरा हाथ, पूरे 2 हाथ का डिफरेंस आ चुका है इसके अंदर। एंड अभी जो मेन चीज़ लिफ्ट का काम तो चलो हो गया, अभी मैं आपको बताता हूँ इसके फायदे एंड नुकसान क्या क्या हैं, यानी कि आपको ये कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको लगवाने के बाद में आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, मतलब गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी में कितना फर्क आया। तो हाँ यार देखो फर्क तो काफ़ी ज़्यादा आया ड्राइव क्वालिटी में, एक तो बॉडी रोल इसका इंक्रीज हो गया है ना, और दूसरी चीज़ थोड़ी स्टेबिलिटी का जो इशू होता है ना थोड़ा सा आ गया इसके अंदर, बट वो चीज़ अभी जो है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैंने ना इसके अंदर अभी अलॉयज एंड टायर्स अपग्रेड कर देने, तो जब टायर ब्रॉड लग जाएंगे और अलॉय साइज जो है वो बड़ा लग जाएगा ना तो ये वाला इशू तो रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यार एक तो देखो सबसे मेन चीज़ बिना लिफ्ट करे गाड़ी में अलॉय व्हील्स एंड टायर्स अपग्रेड हो नहीं सकते अप साइज है ना, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट। तो और दूसरी चीज़ यार देखो अगर आप लोग को गाड़ी की हाइट इंक्रीज करने के लिए कोई आपका पर्पज है, यानी कि आपको कोई टायर्स या फिर अलॉयज अगर इंस्टॉल करने हैं इसके अंदर अपसाइज के, तो ही आप आपकी गाड़ी की हाइट इंक्रीज करना, या फिर अगर आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कम है, गाड़ी नीचे से टच होती है कहीं पे गड्ढों से या फिर स्पीड ब्रेकर वगैरह पे, तो आप ये इंस्टॉल करना, अदरवाइज ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप अपनी गाड़ी की हाइट जो है वो इस तरीके से इंक्रीज करो। बाकी इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू जो है मैं चैनल पर आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा थोड़े टाइम में, क्योंकि अभी तो यार देखो मैंने भी लगवाया है, थोड़ी बहुत ही गाड़ी चलाई है 10-15 किलोमीटर, तो अभी इतना तो यार मेरे को भी नहीं पता है। बाकी लुक्स में फर्क पड़ता है गाड़ी के, गाड़ी थोड़ी ऊंची ऊंची लगने लग जाती है। तो गाइज नेक्स्ट ब्लॉग जो आ रहा है वो हमारी गाड़ी के टायर्स एंड अलॉय व्हील्स अपग्रेड का है, वो बहुत मस्त होने वाला है, वो जरूर देखना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।